अलवर अलावली विहार थाना क्षेत्र कालाकुआं के रहने वाले रिटायर्ड बिजली विभाग अधिकारी के एटीएम कार्ड को एक्सचेंज कर 2.44 लाख रुपया ज्ञात बदमाशों द्वारा निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित योगेश चंद्र विजय निवासी कालाकुआं ने बताया कि मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग अकाउंट है। कालाकुआं टेम्पो स्टैंड पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा के एटीएम पर गया। वहां से मैंने 25,000 रुपये एटीएम से निकाले और वहां से निकलते समय एटीएम कवर सहित नीचे गिर गया और वहां पर स्थित दो लड़के में से एक ने केवल एटीएम का कवर दे दिया और वह पैसे लेकर फरार हो गया। उसके बाद दोबारा अरावली विहार बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसे निकलवाने के गया तो मुझे बैंक कर्मियों से पता चला कि आपके अकाउंट से लगभग 2.44 लाख रुपये एटीएम से निकाल लिए गए हैं। उसके बाद खाता व एटीएम कार्ड फ्रीज करवा दिया गया। इस मामले की सूचना अरावली विहार थाना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पैसे निकालने के लिए तो मैंने 25,000 निकलवा लिया और फिर जिसको भेजने थे वो भेज दिए पैसे। मैं घर आ गया और मैं मेरा एटीएम वहीं कहीं गिर गया। मैं घर आ गया, मेरे को पता नहीं। और फिर मुझे कल जब पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं एटीएम पे गया तो एटीएम से पहले मैंने सोचा मन के इसमें एंट्री करा लूँ पासबुक में। एंट्री नहीं हुई, मैं अंदर गया, अंदर से मेरा एटीएम नहीं था इसलिए अंदर गया था। अंदर मालूम किया भाई मेरे कितने पैसे हैं, इसमें मशीन ख़राब है, चला नहीं रही पासबुक में। तो मैं जब मालूम किया बाबू से तो उन्होंने देखा, खाता देखते ही बता दिया आपके पैसे सब उड़ गए, किसी ने निकाल लिए। तो उसमें क्या है कि 15,000 करीब बचे हैं, बाकी 2,40,000 उसमें से निकाल दिए। मैंने खाते बंद करवाया और फिर मैंने FIR दर्ज करा इसमें अरावली विहार थाना के अंदर केस दर्ज करा दिया। तो ये कौन सी बैंक में गए थे आप? बड़ौदा बैंक अलवर कालाकुआं अलवर साउथ वेस्ट ब्लॉक अरावली बिहार अलवर टेम्पो स्टैंड। नाम क्या आपका? योगेश चंद्र विजय। किस में कार्य करते हैं आप? क्या काम करते थे पहले? बिजली विभाग से रिटायर्ड हूँ। बिजली विभाग में क्या कार्य करते थे? मीटर टेस्टर था प्रथम।